पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में 10 जुलाई को ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन मुस्लिम समुदाय अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं। मुरादाबाद के रामपुर दराहा पे कुर्बानी के लिए बाज़ार लगता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर इस बार जानवरों पर डबल पैसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले कभी एक बकरा 10,000 रुपये का मिलता था, आज वो बकरा 15,000 से 20,000 रुपये का मिल रहा है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि बढ़ती महंगाई से त्यौहारों पर भी असर देखा जा सकता है। पूरे देश में ईद उल अज़हा का त्यौहार 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है। कुर्बानी के लिए बकरा मुस्लिम समुदाय ने खरीदना शुरू कर दिया है और बाजारों में भी काफी भीड़ देखी जा सकती है। मुरादाबाद में हर साल करीब हजारों बकरों की कुर्बानी की जाती है, लेकिन इस बार बकरे की कीमत भी आसमान छू रही है। मुरादाबाद शहर के रामपुर दराहा में बकरे की कीमत 20,000 से 25,000 है, जबकि पिछले साल जिस बकरे की कीमत 5,000 से 7,000 के बीच 10 से 14 किलो का बकरा लोगों ने खरीदा था। इसके साथ ही पशुओं का लगने वाला बाजार में कटरा और भैंसों के भी दाम बढ़ चुके हैं। ईद उल अज़हा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस त्यौहार पर जानवरों की कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी का जानवर पहले से खरीद कर ईद उल अज़हा तक उसे खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन इस वर्ष बकरे की कीमतें आसमान छू रही हैं। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र ताली में लगने वाले पशुओं के बाजार में बकरे और भैंस कटरे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जिस बकरे की कीमत 20,000 से 25,000 है, उसे पिछले साल 7,000 से 8,000 रुपए के बीच 12 से 14 किलो का बकरा लोगों ने खरीदा था। ईद उल अज़हा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाना है। बकरे की खरीदारी कर रहे ग्राहक मुबीन मलिक ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले बकरों की कीमत 30% तक ज्यादा है। बीते वर्ष 12 किलो का बकरा 5,000 से 7,000 में खरीदा गया था, इस वर्ष उसकी कीमत लगभग 20,000 से 25,000 है। उन्होंने कहा कि अगर बकरों के दाम कम नहीं हुए तो बहुत से लोग कुर्बानी करने से वंचित रह जाएंगे। कोरोना की वजह से लोग पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। जी मेरा नाम मोबिन मलिक है। आज हम बकरे ईद आ रही है तो बकरे खरीदने निकले हैं। अल्लाह की राह पे हम लोग कुर्बानी करने के लिए बकरे वगैरह खरीदते हैं हम लोग, तो इतनी महंगाई है आज की डेट में, तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो रहा है मिडिल क्लास फैमिली को ख़रीदने के लिए। असल में क्या है कि हर इंसान कोई 20,000-15,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। पहले 15-20,000 रुपये कमाता था तो आराम से अपने घर कुर्बानी भी करता था और घर के खर्चे भी चलाता था, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से तो लोग ख़रीद नहीं पा रहे, तो आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा और बहुत मुश्किल है मेरा ख़रीदना, क्योंकि इतना मेरे पास मनी नहीं है कि जो मैं ख़रीद पाऊँ। कितना अंतर आया है पहले के मुकाबले? पहले अब फ़र्क इतना है, देखिए अब पहले जो था हम 5-6 हज़ार रुपये में एक बकरा ख़रीद के कुर्बानी कर देते थे, आज उससे 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। एक बकरे की कीमत 20,000, 18,000, 25,000 ऐसे ऐसे कीमतें हैं। जिन बकरों की हम 5,000, 7,000 में कुर्बानी कर देते थे, आज वो 25,000, 20,000 से कम में नहीं मिल रहा है। तो हमें लगता नहीं है कि हम लोग कुर्बानी ऐसे कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। कि त्यौहार देखें, त्यौहार में घर में कुछ खर्चे वैसे भी होते हैं, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जब घर में यानी काफ़ी बिरयानी सब चीज़ें बनाते हैं हम लोग, तो उसमें इतना खर्चा आ जाता, तो बंदा बहुत मुश्किल लग रहा है हमें।